क्या नाम है आपका? सैयद आफ्ताब अफजल पाशा। सैयद आफ्ताब अफजल पाशा, क्या काम है यार अब्दुल भाई? आप फैमिली ड्राइवर। आफ्ताब भाई फैमिली ड्राइवर, फैमिली ड्राइवर का काम आप जानते हैं ना, ड्यूटी लिमिट कोई नहीं होती है। जब वो बोल देगा आप तैयार रहो, आप सऊदी रिटर्न हो आपको पता है, ठीक है। अगर आप वहाँ गाड़ी नहीं चला पाए, ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप स्पॉन्सर आपसे क्या काम कराएगा और क्या सैलरी देगा। गाड़ी अगर आपने नहीं चला पाए तो आप, ठीक है ना, फैमिली ड्राइवर आपको गाड़ी धुलना, गाड़ी साफ सफाई, मार्केट जाना, घर से रिलेटेड भी अगर कोई काम बोल देगा तो आप तैयार रहिए, क्योंकि फैमिली ड्राइवर को स्पॉन्सर कोई भी काम रिलेटेड बोल सकता है, ठीक है ना। बाकी आपको गाड़ी चलाना, मार्केट जाना, बच्चे को ड्रॉप, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, ये सब भी इंक्लूड है, ठीक है। ड्यूटी लिमिट कोई नहीं होती है, जब जरूरत पड़ेगी आप तैयार रहिए, ठीक है। दो साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वीजा लगता है दो साल के लिए, ऑटो रिन्यूअल है, आप उससे ज्यादा रह सकते हैं, ठीक। अगर आप दो साल के बाद आएंगे तो फैसिलिटी जो सऊदी लेबर लॉ में मिलती है कानून में, वो आपको मिलेगी। अगर आप किसी भी रीजन से, अपनी वजह से अगर आप काम क्विट करना चाहते हैं, छोड़ के वापस इंडिया आना चाहते हैं, तो आपको 6,000 रियाल देना पड़ेगा अरब को, सऊदी को देंगे तब आएंगे। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो आपका अकामा, मेडिकल, इंश्योरेंस, ये सब फ्री है, तो स्पॉन्सर का खर्चा होता है। अगर आप पहले क्विट करेंगे तो उसका नुकसान होगा, लॉस में आएगा ना वो, फिर वो आप पे करेंगे, फिर आप इंडिया आएंगे, ठीक है अब्दुल भाई। कोई रीजन से कुछ सामने से भेजा तो नहीं, सामने से कुछ प्रॉब्लम और रीजन, रिटर्न जाना है छुट्टी लेके, तो नहीं छुट्टी लेने का मतलब प्रोसेस नहीं, प्रोसेस यही है कि आपकी स्पॉन्सर से बन रही है, तो हर इंसान एक दूसरे को समझता है, आपको इमरजेंसी जरूरत है तो वो लीव देगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी तो आप जा रहे हो, तो अभी आपको 6 महीना 8 महीना 1 साल तो लगाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। समझ रहे अब्दुल भाई आप? जाना चाहते हैं ना आप? क्लियर है सब?